जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हो तो यहाँ पर सरकार की तरफ से बड़ा बदलाव कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, सेना की तरफ से यहाँ पर 3 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जाएगा और इससे लेकर दोस्तों एक बड़ी यहाँ पर अपडेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज ही की खबर है, दैनिक भास्कर में न्यूज पब्लिश हुई। यहाँ पर सेना के 2 अधिकारियों ने बड़ी बात की। जी हाँ दोस्तों, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने बड़ी बातें दोस्तों 3 साल की आपकी जो भर्ती प्रक्रिया को लेकर यहाँ पे बताई। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप भी सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यहां पर आपको सेना भर्ती में भर्ती होने का बड़ा मौका आपको मिलने वाला है, क्योंकि जो युवा लगातार कई लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और सेना में जाने के लिए यहां पर हमेशा तत्पर रहते हैं, उन युवाओं के लिए बहुत अच्छी खबर यहां पर लेके आए। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो लाइक जरूर कर दे और चैनल पे आप नए हो तो चैनल भी जरूर जरूर सब्सक्राइब कर, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको इंडियन आर्मी और टी आर्मी से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। साथ में दोस्तों, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हो आप जरूर कमेंट करके हमें बताएगा ताकि आपके राज्य की भी यहाँ पर इंडियन आर्मी या फिर टी आर्मी की कोई भी भर्ती आयोजित की जाए तो उसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाते रहे। तो दोस्तों, यहां पर 3 साल के लिए फौज में भर्ती का नया प्रपोजल टूर ऑफ ड्यूटी सेना के 2 रिटायर्ड जनरल से जानिए क्या इस नई भर्ती प्रक्रिया के मायने। तो यहां पर दोस्तों बता देते हैं आपको, आपका एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद ऐता हसन ने है, जबकि दूसरे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है सतीश दुआ, उन्होंने अलग अलग बात की। यहां पर बात करें, सैयद ऐता हसनैन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है जो कश्मीर के कोर कमांडर रह चुके हैं। उन्होंने वहां के कोर कमांडर रहते हुए सेना को कश्मीर के आवाम से जोड़ने के लिए हार्ट डॉक्ट्राइन को कंसीव किया और उसे ऑपरेशनल भी करवाया। वह बतौर मिलिट्री सेक्रेटरी रिटायर्ड भी हुए। वही बात करें रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ की, तो वो कश्मीर के कोर कमांडर रह चुके हैं। इन्हीं के कोर कमांडर रहते सेना ने बुरहान वानी का एनकाउंटर किया था। वही जनरल दुआ ने सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग की और एग्जीक्यूटिव करवाया था। वे चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के पद से रिटायर्ड हुए। तो दोस्तों, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद हसनैन सेना की भर्ती के बारे में इन्होंने बड़ी बात की है। अगर बात करें तो सेना की भर्ती में अपने स्टैंडर्ड और इनसे कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने बताया कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब जोश से जवानी या फिर हाउ इज द जोश, ये बात होता है। साथ में भारतीय सेना में भर्ती से जुड़ा एक नया प्रपोजल लेकर आई है, नाम दिया है उसे टूर ऑफ ड्यूटी। जी हाँ दोस्तों, जिसमें 3 साल के लिए आम युवाओं को सेना में बतौर ऑफिसर और जवान एंट्री दी जाएगी। इसे लेकर कुछ बातें अब तक साफ है जबकि कुछ लेकर असमंजस है। इसी टूर ऑफ ड्यूटी को बेहतर समझा रहे 2 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल। जी हाँ दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद हंता और हसनैन सेना की भर्ती के अपने स्टैंडर्ड और इनसे कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने मैन पावर की अहमियत से लवरेज 130 करोड़ लोगों वाली मजबूत भारतीय सेना को हमेशा जरूरत होती है। भर्ती के डायनेमिक पैटर्न की जो सामाजिक माहौल और बजट पैरामीटर पर निर्भर करते हुए सेना भर्ती के अपने स्टैंडर्ड्स और सालों साल इनसे किसी भी तरह का समझौता नहीं किया। 1991 की आर्थिक क्रांति ने पारंपरिक मैन पावर बेस की उन उम्मीदों को ऊंचा उठाया था जो आज ऑफिसर्स देती है। दूसरा मसला है कि मैन कैडर और स्पोर्ट कैडर का रेशियो, यानी जो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट पर है और जो कॉन्ट्रैक्ट पर है, दुनिया भर की प्रोफेशनल आर्मी में मैन कैडर छोटा और स्पोर्ट कैडर बड़ा होता है, 1:5 के आसपास है, जबकि भारत में इसका उल्टा है। टूर ऑफ ड्यूटी का प्रपोजल अमल में आने के बाद देश के आम नागरिकों को भी सेना में 3 साल के लिए सर्विस करने का मौका मिलेगा, बहुत ही अच्छी बात है। जी हाँ दोस्तों, टूर ऑफ ड्यूटी के इस नए प्रपोजल में 3 साल के लिए फ्रंट लाइन ऑपरेशन यूनिट में काम कर सकेंगे, जिससे सेना में भर्ती और वहां से एग्जिट से जुड़े खर्च में भी कमी आएगी और उनकी काबिलियत का इस्तेमाल बाकी करियर में बखूबी से किया जा सकेगा, जो संभव भी होगा बेहतर तरीका होगा। दोस्तों, सेना के इस एक्सपेरिमेंट को लेकर फिलहाल कोई भरोसा नजर नहीं आता। इसे जरूरत होगी कि सरकार इसमें दखल दे ताकि संभव हो पाए। ये प्रपोजल अभी भी शुरुआती स्टेज पर है, इसकी आलोचना होना जायज है क्योंकि ये उन नियमों को बदलने की बात करता है जो लंबे समय तक सेना में रहे। लेकिन ये याद रखना होगा कि सेना का बजट सीमित है, ज्यादा और रेवेन्यू बचाकर उसे आधुनिकीकरण पर खर्च करने की भी जरूरत है।
दोस्तों इसे देखते हुए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ और टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब जोश जवानी या फिर दाव इज द जोश, उन्होंने बताया आज के युवाओं में एक मजबूत देशभक्ति का जोश दिखाई देता है। बहुत से जो सेना में भर्ती तो होना चाहते हैं लेकिन उसे ताउम्र करियर बनाना मंजूर नहीं, उनके लिए सेना एक नई एंट्री स्कीम लेकर आई जो उन्हें 3 साल तक के लिए टूर ऑफ ड्यूटी का मौका देती है जो उन्हें एक बेहतरीन अनुभव तो देगा ही साथ ही उन्हें एक अच्छा नागरिक और लीडर बनाने के लिए भी तैयार भी करेगा। यहाँ तक कि एमबीए कोर्स के लिए भी अब वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत होती है तो टूर ऑफ ड्यूटी यहाँ भी अच्छा ऑप्शन होगा। ये स्कीम ऑफिसर्स और जवान दोनों के लिए होगी और इनका पैकेज सिविल स्केल से काई बेहतर होगा, मतलब 60 से 80 हजार के करीब ऑफिसर और 30 से 50 हजार के करीब जवानों के लिए। सूत्रों के मुताबिक टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर सेना ने भी एक स्टडी करवाई जिसमें सामने आया कि इस प्रस्ताव से सेना के करोड़ों रुपए भी बचेंगे और यह तरीका शॉर्ट सर्विस कमीशन से थोड़ा अलग है। जी हां दोस्तों, शॉर्ट सर्विस कमीशन की यहां पर बात करें, शॉर्ट सर्विस कमीशन में जब एक ऑफिसर 14 साल की सर्विस के बाद सेना से रिटायर्ड होता है तो वह अपनी उम्र के 30 साल पार कर चुका होता है। करियर की दूसरी पारी शुरू करना उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है लेकिन नौकरी छूटने की आम दिक्कतों के बीच यह युवाओं को प्रगति की ओर ले जाएगा। सब कुछ देखा जाए तो मुझे लगता है कि यह सभी के लिए विन विन सिचुएशन है और युवाओं को अनुभव मिलेगा और वह अनुशासित नागरिकों और बेहतर लीडर्स बन पाएंगे। देश को अच्छे नागरिक मिलेंगे और सेना को यंग ऑफिसर और सोल्जर्स और तो और पेंशन का रेवेन्यू बजट भी नहीं बढ़ेगा, जोश के साथ होश भी रहेगा। इसका जिक्र होना चाहिए कि इसे लेकर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा की बात उत्साहजनक है कि इन युवाओं को 3 साल के बाद उनके यहाँ नौकरी दी जाएगी। तो दोस्तों बहुत अच्छी खबर है, यहाँ पर सेना की तरफ से ये प्रस्ताव है वो पूरी मंजूरी मिल चुकी है। सेना के रिटायर्ड जनरलों ने भी ये बात है वो यहाँ पर कबूली है और बोला केंद्र सरकार से जैसे ही इसे मंजूरी मिल जाएगी जल्दी सेना इसे लागू करने वाली। तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छी कुछ खबरी, आम नागरिक भी इस बार सेना में भर्ती हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी, आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल पे आप नए हो तो चैनल भी जरूर जरूर सब्सक्राइब कर, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको इंडियन आर्मी और TRMS से रिलेटेड अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। साथ में दोस्तों आप अपने स्टेट का नाम जरूर कमेंट करके हमें कमेंट करें ताकि हम आपको उससे रिलेटेड भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहे। साथ में दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों के पास में आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।